Coach Rishi Sarode and 12 children, the first ever achievement of their kind. Role model skaters and Amal Mission together have created a new world record in Mumbai on December 22, 2018. There were two parts of this skating record in which 11 children were skipping zigzag rollers while dribbling basketball, while one child was swimming in the inlay with the hollow hoop tied with a blindfold. With such an achievement in skating, the recept has become the first child ever since. In this program, the special mission of the Amal Mission was to see the certificates from Pawan Solanki on this occasion. Is honored and listen to what you say anything. इन मेरे पेरेंट्सों की है, इन मेरे बच्चों की है। इन बच्चों ने कल रात से दिल में धड़कन थी कि बच्चे कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे। बच्चों ने आज कर दिखाया। फर्स्ट एटम ने, इन बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, जो विश्व में पहली बार हो रहा है। इन पेरेंट्सों के बिना मैं अधूरा था। कल कोई भी नहीं सोया था और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के कि इन्होंने मुझे बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, 12 सितारों ने। और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, इनके पेरेंट्स ही बोलेंगे, आज मुंबई बोलेगी कि बच्चों ने क्या। How you arranged धड़कने, this, धड़कने धड़कने अभी थमी या अभी भी चली रही है? धड़कने तेज हुई थी पिछले 6 महीने से, धड़कने तेज थी आपकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों ने? धड़कने नहीं तेज थी 6 महीने से, खाली आवाज तेज था, राइट? ये प्यारी प्यारी मेरी जितनी खूबसूरत मधुबाला है, मेरी बहने हैं, इनके ऊपर खाली गुस्सा करता था मैं, इन बच्चों पे सिर्फ गुस्सा करता था। आज बच्चों ने सिखा दिया कि सर हम बहुत परफेक्ट हैं। एक टीचर होते हुए मेरे को इन बच्चों पे बहुत अभिमान है। इन बच्चों ने बहुत अच्छा, शब्दों की कमी है मेरे पास। चलिए पवन जी कहाँ हैं? बच्चों ने रिकॉर्ड हासिल किया है, रिकॉर्ड ब्रेक किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर और प्रक्रिया क्या रही इसकी? मेरा नाम है पवन सोलंकी, प्रेसिडेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया। आज रोल मॉडल स्केटर्स क्लब मुंबई महाराष्ट्र, जिन्होंने 2 रिकॉर्ड्स का आयोजन किया था, उसमें पहला रिकॉर्ड जो था वो था बास्केटबॉल ड्रिबलिंग जिगजैग स्केटिंग ऑन अ रोलर स्केट, जिसमें 11 बच्चों ने ये 7 मिनट नॉन स्टॉप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नया रिकॉर्ड किया है। और दूसरा जो रिकॉर्ड था वो जस्ट सरोडे, जो रोल मॉडल स्केटर्स क्लब का स्टूडेंट है, और उसने
ब्लाइंड फोल्ड खुला हो 800 मीटर्स कवर करके ये नया रिकॉर्ड किया है। अभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, तो ये दोनों रिकॉर्ड ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है, तो ये इंडिया का फर्स्ट एवर ये रिकॉर्ड होगा। और मुझे लगता है ये फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं है, वर्ल्ड का फर्स्ट रिकॉर्ड होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में इसका हम अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। सेकेंड चालू हुआ तब से ही हमारे सारे पेरेंट्स की आंख में आंसू थे, और ये सब आंसू तब डर के थे और अब खुशी के आंसू है। हमारे बच्चों ने ये बड़ा अजूबा आज कर दिखाया है। हमेशा आज उन लोग के वजह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है माँ बाप के लिए कि आप उनका इंटरव्यू लिए, क्योंकि उन बच्चों ने इतनी ग्रेट चीज़ अचीव कर दी है, हमें बहुत खुशी हो। आप बताइए, हम जो कर रहे हैं बच्चों को एवरी सैटरडे संडे यहाँ लाना, स्पाइट ऑफ 5 दिन जो वो स्कूल जाते हैं उसके बाद ये 2 दिन पूरा उनका सैटरडे संडे जो वीकेंड हम छुट्टी के बजाय उनको यहाँ ला के हम प्रैक्टिस करवाते थे, बट आज लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा अजूबा हो चुका है। वो चीज़ हमारे हमने जो इतना परिश्रम किया है वो आज फाइनली फल दे चुका है, और उन चीज़ को वक्त को बयान करना बहुत मुश्किल है। भावुक कर दिया हमको, आपको भी। आपने तभी भी, मैं देख रहा था कि आपने चश्मा उतार के आंसू पोंछे। ऋषि जी को, बच्चों को जिन्होंने अपना हार्डवर्क किया, और पेरेंट्स को जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, ऋषि जी को और बच्चों को, बिकॉज पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना भी कुछ नहीं होता। सो इट्स लाइक अ टीम, सो टुडे द टीम हैज वन, सो दैट्स व्हाट आई फील। एंड बच्चे हमारा कल है, बच्चे हमारा फ्यूचर है, वो हमारे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है, तो ये बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक्चुअली, यू नो, आई वाज रिमेंबरिंग द टाइम व्हेन आई वाज वॉकिंग द पेजेंट फॉर माय कॉन्टेस्ट। सो इट्स अ ओवरवेलमिंग फीलिंग, आई कांट एक्सप्रेस इट कम्प्लीटली, बट येस, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। दे विल कॉन्कर द वर्ल्ड वन डे एंड मेक अस ऑल प्राउड। खुशी हो रही है, बच्चे जब कहते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, और इन्होंने आज ये कारनामा कर दिखाया हमारे आंखों के सामने। आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आज बच्चों ने कर दिखाया है। और बच्चों को मैं सही में आज, मतलब ये जो 12 बच्चे हैं उनके सभी पे मुझे आज घमंड है, और उनके पीछे जो 6 महीने ऋषि जो उनके कोच है उन्होंने जो मेहनत किया है, तो उनके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और आज बहुत ही हम लोग यहाँ देख रहे थे, जो बच्चे 12 बच्चे जिन्होंने 7 मिनट किसी ने कोई गलती ना करते हुए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ा मतलब अभिमान का काम किया इन्होंने, और इनके लिए सभी के लिए शुभकामनाएं। और आज वो जो स्केटिंग आपने किया आग पे पट्टी बांध के, कैसे करते हो और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कैसे? मेरा नाम जश है, मैं ये ब्लाइंड फोल्ड वाले ऐसे क्लासेस जाता था, और मैम ने मुझे सिखाया, फिर मैं यहाँ पर आके स्केटिंग ब्लाइंड फोल्ड विद रूल आउट करता था, तो ऐसे ऐसे मेरा हो गया। तो आज आपका नाम गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, खुशी हो रही है? हाँ बहुत। और ऋषि जी को क्या कहना चाहोगे, ऋषि जी ने जिन्होंने आपको सिखाया, तैयार किया? आपके पापा भी हैं, वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टीचर हैं। और पापा भी, थैंक यू। नमस्कार। बहुत ही खुशी हो रही है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास मैं एक्सप्रेस कर सकूं अपने बेटे के लिए। हमेशा हमारे बच्चे जब प्रैक्टिस करते थे तो हम यही सोचते थे, बोलते थे बेटा करो बेटा करो बेटा करो, आज तो बेटे लोगों ने हमने शब्दलेश ही छोड़ दिया, बस कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए उनके लिए। वंडरफुल जॉब लिटरली। तो बच्चों ने ये भी रखा था, व्रत रखा था कि जब तक हम ये जीतेंगे नहीं तब तक हम चप्पल जूते नहीं पहनेंगे, ऋषि जी, इवन ऋषि जी ने भी किया था। तो कहीं ना कहीं टफ था, ये एक चैलेंज लिया था उन्होंने और वो आज कर दिखाया, तो सर सर को देखते हुए हमारे बच्चों ने भी बोला सर को, सर आप सब कुछ त्यागोगे तो हम भी त्याग देंगे, आपकी जितनी मेहनत है सर हम उसे वेस्ट होने नहीं देंगे, हम भी आपके साथ रिकॉर्ड के दिन ही शूज और चप्पल डालेंगे। और लिटरली आज ही बच्चों ने यहाँ पे आके स्केच पहना है, हमने पूरे हफ्ते में ना कोई प्रैक्टिस की ना कुछ किया बच्चों का, इधर आके सीधा उन्होंने स्केच पहना और रिकॉर्ड कम्प्लीट किया, बहुत साथ दिया है सर। Thank you, sir. Thank you.